Navgrah Shani Dev Mandir, Begumbazar, Hyderabad, Andhra Pradesh. दक्षिण पूर्वी भारत में स्थित हैदराबाद शहर आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है। ये दक्कन के पठार पर मूसा नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद गोलकुंडा के कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा बसाया गया था, जिनके शासन में गोलकुंडा ने भरपूर उन्नति की। खूबसूरत इमारतों, निजामी शानो शौकत और लजीज खान पान के लिए मशहूर हैदराबाद भारत के मानचित्र पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में अपनी एक अलग अहमियत रखता है। इस शहर को विविध संस्कृतियों के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर में सदियों से हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है और आज भी दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। मस्जिदों, मकबरों के अलावा यहाँ मंदिरों की संख्या भी भारी मात्रा में है। इन्हीं मंदिरों में बेगम बाजार में बना नवग्रह शनिदेव जी का मंदिर यहाँ रहने वाले लोगों की आस्था का केंद्र है। गेरुए सफेद रंग से रंगे इस मंदिर के गोल गुंबद पर स्वर्ण कलश की आभा दूर से ही देखी जा सकती है। रहवासी इलाके में बना ये मंदिर आकार में छोटा होने के बावजूद भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाला एक जागृत स्थान है। अपने लोगों के बीच बसे भगवान अपने से लगते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर में भक्तों का हमेशा तांता लगा रहता है। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले सफेद नारंगी टाइलों से बने नवग्रह देवताओं के खूबसूरत मंदिर पर नजर पड़ती है। मंदिर में नवग्रह देवताओं का गर्भगृह काले चमकदार पत्थर का बना है। इस मंदिर में काले पत्थर के बने चबूतरे पर नवग्रह देवताओं को स्थापित किया गया है। इन नवग्रह देवताओं को काले पत्थर के साथ पीले, हरे, नारंगी तथा सफेद पत्थरों का बना दर्शाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में सभी ग्रहों को स्थापित किया गया है, लेकिन विशेष रूप से शनि भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया है। शनि भगवान के पत्थर को काला कपड़ा ओढ़ाया गया है। इसके अलावा उनके भाल पर रत्न जड़ित मुकुट के साथ गले में असंख्य मोतियों की मालाएं पहनाई गई हैं। इन मालाओं के साथ भक्तों ने श्रद्धा स्वरूप पुष्प अर्पित किए हैं। पत्थर पर लगाई गई आंखों और रत्न जड़ित टीके से भगवान शनिदेव की प्रतिमा और जागृत नजर आती है। प्रसाद के रूप में यहाँ भगवान शनिदेव को शक्कर चढ़ाई जाती है। गर्भगृह में श्री शनिदेव भगवान सहित नवग्रह देवताओं के अलावा भगवान श्री गणेश की स्वयंभू प्रतिमा आसीन है। सिंदूर चढ़ी इस प्रतिमा का चित्ताकर्षक श्रृंगार किया गया है, जिससे गणपति जी का रूप और मनमोहक बन पड़ा है। गर्भगृह में शीश पर सांवरे सलोने श्री कृष्ण की मनमोहिनी प्रतिमा स्थापित है। बांसुरी बजाते बाकी मुद्रा में खड़े श्री कृष्ण की इस प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपनी प्रियतमा राधा जी का इंतजार कर रहे हैं। गर्भगृह में प्रतिस्थापित श्री शनिदेव जी का ये श्रृंगार 12 महीने यथावत यूं ही रहता है, लेकिन शनि जयंती के दौरान उनका विशेष श्रृंगार किया जाता है। शनि जयंती के दिन भगवान शनिदेव के पूजन अर्चन का फल कई गुना हो जाता है। यदि मंदिर ना जा सके तो घर में लकड़ी के पट्टे पर काले कपड़े को बिछाकर उस पर श्री शनिदेव की प्रतिमा या फोटो अथवा एक सुपारी रखकर पूजन करें। श्री शनिदेव पर अबीर, गुलाल, सिंदूर, कुमकुम एवं काजल लगाकर नीले या काले फूल और फल अर्पित करें। उसके बाद श्री शनिदेव का जल, दुग्ध, पंचामृत, घी, इत्र से अभिषेक कर इमरती, तेल से तली वस्तुओं का नैवेद्य लगाएं। भोग लगाने के बाद श्री शनिदेव से अपनी मनोकामना कहें और साथ ही उनसे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। श्री शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए व्रत का विधान है। यूं तो श्री शनिदेव भगवान का व्रत
किसी भी शनिवार को रखा जा सकता है, लेकिन कुछ लोग शनि जयंती के दिन भगवान शनि देव का व्रत करने को शुभ मानते हैं। शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। कहते हैं कि शनि देव की दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म होती है। वो जहाँ अच्छे कर्मों के फलदाता हैं, वहीं बुरे कर्मों का दंड भी देते हैं। शनि भगवान सूर्य तथा प्रजापति की पुत्री संज्ञा के पुत्र हैं। शनि के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्यधिदेवता यम हैं। ये एक एक राशि में 30-30 महीने रहते हैं। ये मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं तथा इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनका प्रभाव एक राशि पर 2.5 वर्ष और 7.5 साथी के रूप में लंबी अवधि तक भोगना पड़ता है। किंतु ये भी कहा जाता है कि शनि का आना जितना कष्टप्रद होता है, उनका जाना उतना ही सुखकारी होता है। शनि देव जाते जाते अपने भक्तों को माला माल करके जाते हैं। श्री गणेश की सिंदूर से रंगी प्रतिमा का श्रृंगार नगों से किया गया है, जिसकी शोभा अद्वितीय है। मंदिर में रोज दिए की प्रज्वलित लौ से गर्भगृह में स्थापित प्रतिमाओं की आरती उतारी जाती है। आरती के बाद उस लौ को भक्त सिर माथे से लगाते हैं। आरती के साथ पुजारी जी द्वारा वितरित प्रसाद को खाकर भक्त आगे बढ़ते हुए माँ दुर्गा के मंदिर की ओर रुख करते हैं। मंदिर प्रांगण में ही एक जगह पर दुर्गा माँ का छोटा सा मंदिर स्थापित है। अपने वाहन शेर पर आसीन अष्टभुजा माँ दुर्गा को लाल साड़ी के साथ मैरून रंग की चुनरी ओढ़ाई गई है। मस्तक पर रत्नजड़ित मुकुट के साथ, नाक में नथनी, भाल पर लगा टीका और हथेली पर रची मेहंदी उनके सौंदर्य को और बढ़ाती है। अपने अस्त्र शस्त्र समेत माँ दुर्गा की ये छोटी सी प्रतिमा दिव्यता के नए आयाम रचती है। मंदिर प्रांगण में ही एक और बजरंग बली हनुमान जी का मंदिर है। स्वर्ण मंडप में विराजित बजरंग बली हनुमान जी की सिंदूरी प्रतिमा पर मैरून रंग का रेशमी कपड़ा बांधा गया है। सफेद नारंगी टाइलों से बने गर्भगृह में एक टाइल्स पर लाल रंग से श्री राम के साथ ओम की आकृति उकेरी गई है। इस आकृति के साथ स्वर्ण मंडप पर बनी श्री गणेश की प्रतिमा भी इसे संपूर्णता देती है। सूर्य पुत्र शनि देव जी, शिव जी के शिष्य, यमराज के भ्राता तथा सभी ग्रहों के प्रभावशाली नियंत्रक होने के साथ ही पवन पुत्र हनुमान जी के मित्र भी हैं। लंकापति रावण प्रबल शिव भक्त और प्रकांड विद्वान था। देवलोक पर अधिकार करने के साथ ही उसने अपनी साधना के बल पर यमराज और शनिदेव को कैद कर लिया। जब हनुमान जी ने देखा कि एक कालकोठरी में यमराज और शनिदेव दोनों ही मंत्रों के बंधनों से जकड़े उल्टे लटके हुए हैं, हनुमान जी को सम्मुख देखकर यमराज और शनिदेव उनसे बंधन मुक्त करने की प्रार्थना करने लगे। हनुमान जी ने दोनों को बंधन मुक्त कर दिया। यमराज ने कहा, हे पवन पुत्र, मैं सदैव आपके भक्तों को अकाल मृत्यु से दूर रखूंगा। शनिदेव ने हनुमान जी की स्तुति करते हुए कहा, हे महावीर, आपने मुझे बंधन मुक्त किया है। मैं आपके भक्तों पर सदैव दयापूर्ण दृष्टि रखूंगा और उनके बंधनों को काटता रहूंगा। शनि देव की ये बातें सुनकर श्री राम भक्त बजरंग बली परम प्रसन्न हुए और उन्होंने शनि देव को अपना मित्र बना लिया। यही कारण है कि शनि देव का दिन शनिवार हनुमान जी की पूजा आराधना का भी विशिष्ट दिन है और श्री शनि देव मंदिर में बजरंग बली हनुमान जी की प्रतिमा अवश्य होती है। यही नहीं, शास्त्रों का कथन है कि शनिदेव जी की पूजा आराधना करने के बाद हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करने के बाद आपकी पूजा आराधना के पुण्य फलों में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है।
बजरंग बली हनुमान जी के मंदिर में श्री शनि देव के गुरु भगवान शिव लिंग रूप में विराजित हैं। तांबे के सर्प से ढके शिवलिंग के ऊपर तांबे का जल कलश रखा हुआ है। हैदराबाद के लाड बाजार में रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां मिलती हैं। इस मौसम में शाम को देर तक हुसैन सागर के किनारे खड़े रहना बहुत अच्छा लगता है। भारत के प्रमुख नगरों से हैदराबाद वायु मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। बेगमपेट हवाई अड्डा सभी प्रमुख नगरों से जुड़ा है। हैदराबाद रेल मार्ग के द्वारा दिल्ली, आगरा एवं भारत के अन्य प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर के लिए रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। भारत के सभी प्रमुख नगरों से हैदराबाद के लिए नियमित बसें उपलब्ध हैं। हैदराबाद का मुख्य बस अड्डा महात्मा गांधी बस अड्डा है, जिसे इमली वन बस अड्डा भी कहा जाता है। हैदराबाद में ठहरने के लिए अनेक सुविधाजनक स्थान उपलब्ध हैं। हैदराबाद स्थित बेगमपेट के नवग्रह शनिदेव मंदिर में आकर भक्तगण शनिदेव सहित सभी ग्रहों की स्तुति कर अपने जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। ओम श्री शनैश्चराय नमः।